नमस्ते दोस्तों, हम आपके लिए 2020 का करंट अफेयर लेकर आए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। चलिए अब बिना समय गवाए करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, किस देश को राष्ट्रमंडल में आधिकारिक रूप से फिर से शामिल कर लिया गया? पहला मालदीव, ब बांग्लादेश, स भूटान, द नेपाल। आपका सही आंसर हो जाएगा अ मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में देश का सबसे बड़ा वाटर रिएक्टर कौन सा है? आपका ऑप्शन है अ कैप टू, ब कैप थ्री, स टैप्स थ्री, द टैप्स फोर। आपका सही आंसर हो जाएगा ब कैप थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटल भूजल योजना कब लॉन्च की गई? ऑप्शन है आपका अ 25 दिसंबर 2019, ब 31 दिसंबर 2019, स 2 जनवरी 2019, द 25 नवंबर 2019। आपका सही आंसर हो जाएगा अ 25 दिसंबर 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत की सबसे अमीर महिला है? तो आपका ऑप्शन है अ रोशनी नडाल मल्होत्रा, ब स्मिता वी कृष्णा, स किरण मजुमदार शाह, द नीता अंबानी। आपका सही आंसर हो जाएगा अ रोशनी नडार मल्होत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 107वें सत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो आपका ऑप्शन है अ चेन्नई, ब नई दिल्ली, स मुंबई, द बंगलुरु। आपका सही आंसर हो जाएगा द बंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने मंगल ग्रह मिशन तियानवेन फर्स्ट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? आपका ऑप्शन है अ यूएई, ब चीन, स जापान, द अमेरिका। आपका सही आंसर हो जाएगा ब चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 120 भाषाओं में गाने वाली लड़की का नाम क्या है जिसे चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड दिया गया? तो आपका ऑप्शन है अ सविता राव, ब कविता कृष्णमूर्ति, स सुचेता सतीश, द मालावाद पूर्णा। आपका सही आंसर हो जाएगा स सुचेता सतीश। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 कितने को मिला है? तो आपका ऑप्शन है अ 3, ब 4, स 5, द 6। देखो सही आंसर हो जाएगा स 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2020 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को दिया गया? आपका ऑप्शन है अ रोमा, ब 1917, स द लास्ट कलर, द ग्रीन बुक। आपका सही आंसर हो जाएगा ब 1917। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में इंदौर ने लगातार कितनी बार बाजी मारी? तो ऑप्शन अ है 2 बार, ब 3 बार, स 4 बार, या द 5 बार। तो आपका सही आंसर हो जाएगा स 4 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला ने अपना 170वां जन्मदिन मनाया है? तो आपका ऑप्शन है पहला अ मिसाओ ओकावा, ब जीरोमोन किमुरा, स केन तनाका, द वायलेट ब्राउन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा स केन तनाका। नेक्स्ट क्वेश्चन, 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बना है? तो आपका ऑप्शन है अ डी कुकेश, ब जी आकाश, स प्रज्ञान, द के कस्तूरिंगन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ब जी आकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो ने किस राज्य में मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र बनाने का प्रस्ताव दिया है? तो आपका ऑप्शन है अ केरल, ब कर्नाटक, स तेलंगाना, द आंध्र प्रदेश। आपका सही आंसर हो जाएगा ब कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, गूगल ने गूगल प्लस को किस नाम से फिर से लॉन्च किया है? तो आपको ऑप्शन अ गूगल ट्रस्ट, ब गूगल नॉलेज, स गूगल करेंट, द गूगल टॉक। तो आपका सही आंसर हो जाएगा स गूगल करेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस हिंदी शब्द को ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ 2019 चुना है?
तो ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ 2019 चुना है किसको? ऑप्शन है अ संविधान, ब अधिनियम, स सशक्तिकरण या द आतंकवाद। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अ संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन कहाँ हुआ है? तो आपका ऑप्शन है अ मध्य प्रदेश में, ब उत्तर प्रदेश में, स छत्तीसगढ़ में या द दिल्ली में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा स छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे ने कहाँ पहला कचरे से ऊर्जा उत्पादन करने वाला संयंत्र शुरू किया है? तो आपका ऑप्शन अ जयपुर, ब विशाखापट्टनम, स भुवनेश्वर, द बंगलुरु। तो आपका सही आंसर हो जाएगा स भुवनेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में देश का पहला इलेक्ट्रिक वाहन पार्क स्थापित किया जाएगा? तो आपका ऑप्शन है अ मणिपुर, ब मेघालय, स तमिलनाडु, द असम। तो आपका सही आंसर हो जाएगा स तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला एनिमल वार मेमोरियल कहाँ खोला जाएगा? आपका ऑप्शन अ इंदौर, ब मेरठ, स जयपुर, द त्रिचूर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ब मेरठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने हाल ही में फार्मूला वन ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस जीता है? तो आपका ऑप्शन अ मैक्स वेस्टअपन, ब लुइस हैमिल्टन, स वाल्टेरी बोटास या द चार्ल्स लेक्लर्क। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ब लुइस हैमिल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली जलमग्न मेट्रो कहाँ शुरू होगी? तो आपका ऑप्शन अ हैदराबाद में, ब कलकत्ता में, स गोवा में या द मुंबई में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ब कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य को हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की मेजबानी मिली है? तो आपका ऑप्शन अ हो जाएगा पंजाब, ब हरियाणा में, स उत्तर प्रदेश या द मध्य प्रदेश। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ब हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका में भारत के नए राजदूत कौन होंगे? तो आपका ऑप्शन अ नीलेश कुमार, ब संजय वर्मा, स तरनजीत सिंह संधू, द हर्षवर्धन श्रृंगला। आपका सही आंसर हो जाएगा स तरनजीत सिंह संधू। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में घर घर राशन योजना की शुरुआत की है? तो आपका ऑप्शन अ मध्य प्रदेश, ब दिल्ली, स उत्तर प्रदेश, द पंजाब। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर है आपका ब दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक कचरा क्लिनिक कहाँ खुला है? तो आपका ऑप्शन अ भोपाल में, ब पुणे में, स बेंगलुरु में, द नई दिल्ली में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अ भोपाल में। अब आपका पूरा 25 क्वेश्चन हो गया। इस वीडियो में टोटल 50 क्वेश्चन है और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेस्ट लिंक दिया गया है। इस वीडियो को देखने के बाद टेस्ट जरूर दिलाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किस शहर में हाल ही में भारत का पहला ईवी चार्जिंग प्लाजा शुरू हुआ है? तो आपका ऑप्शन अ बेंगलुरु में, ब जयपुर में, स दिल्ली में, द भोपाल में। आपका सही आंसर हो जाएगा स दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संगठन ने यो मित्र नामक ह्यूमनाइड रोबोट का प्रदर्शन किया है? आपको ऑप्शन अ इसरो, ब डीआरडीओ, स एनआईए, द आरबीआई। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अ इसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अरब देश ने हाल ही में अपना पहला मार्स मिशन होप लॉन्च किया है? आपका ऑप्शन है अ सऊदी अरब, ब संयुक्त अरब अमीरात, स ईरान या द कतर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ब संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो आपका ऑप्शन अ 50, ब 72, स 80, द 65। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ब 72। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस फुटबॉल क्लब ने ला लीगा 2019
2020 का खिताब जीता है। तो आपका ऑप्शन अ बार्सिलोना, ब सेविल्ला, स रियल मैड्रिड, द रियल सोसिडेड। तो आपका सही आंसर हो जाएगा स रियल मैड्रिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में वर्ष 2020 की जनगणना में पहली बार सिखों की गणना की अलग जाति समूह के तौर पर की जाएगी। तो आपका ऑप्शन अ अमेरिका, ब भारत, स नेपाल, द चीन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्का लगाने वाले कप्तान बने हैं। तो आपका ऑप्शन अ बाबर आजम, ब जेसन होल्डर, स योन मॉर्गन, द विराट कोहली। तो आपका सही आंसर हो जाएगा स योन मॉर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में किस अभिनेत्री को क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो आपका ऑप्शन अ दीपिका पादुकोण, ब कैटरीना कैफ, स काजल अग्रवाल, द काजोल। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अ दीपिका पादुकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन भारतीय मूल के व्यक्ति सूरीनाम के राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो आपको ऑप्शन अ दुर्गादास मिलांदो, ब गणेश महाजन, स प्रभुनाथ सिंह, द चंद्रिका प्रसाद संतोखी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा द चंद्रिका प्रसाद संतोखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भाषा के लेखक वासुदेव मोही को 29वां सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया। आपका ऑप्शन अ सिंधी, ब हिंदी, स गुजराती, द अंग्रेजी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अ सिंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन व्यक्ति हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। तो आपका अ राजवीर मेघवाल, ब ज्ञानेंद्रो निगोमबाम, स सुमेंद्र त्रिपाठी, या द अशफाक मोहम्मद। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ब ज्ञानेंद्रो निगोमबाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिखाइल मिशुस्तिन किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। तो आपका ऑप्शन अ अर्जेंटीना, ब रूस, स अल्जीरिया, द चिली। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ब रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल बने हैं। तो आपका ऑप्शन है अ देवानंद भोसले, ब आलोक त्रिपाठी, स मनोज सिन्हा, या द रमेश जिंदल। तो आपका सही आंसर हो जाएगा स मनोज सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय क्रिकेटर को पाली उमरीगर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो आपका ऑप्शन अ जसप्रीत बुमराह, ब चहल, स कुलदीप यादव, या द ऋषभ पंत। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अ जसप्रीत बुमराह। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनेगा। तो आपका ऑप्शन अ पंजाब, ब बिहार, स उत्तराखंड, द असम। तो आपका सही आंसर हो जाएगा स उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2020 में भारत का क्या स्थान है। तो आपका ऑप्शन है अ 84, ब 86, स 87, द 94। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अ 84। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुयाना के अगले राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो गुयाना के अगले राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं। आपका ऑप्शन है अ फारूक अली, ब डेविड एडवर्ड, स इरफान अली, द गेम्बेम्बो जेनर। आपका सही आंसर हो जाएगा द गेम्बेम्बो जेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य तीन राजधानियों वाला भारत का पहला राज्य बना है। तो आपका ऑप्शन है अ कर्नाटक, ब उड़ीसा, स मणिपुर, द आंध्र प्रदेश। आपका सही आंसर हो जाएगा द आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई पंचायत 2020 का प्रथम पुरस्कार किस राज्य ने जीता है। तो आपका ऑप्शन है अ हिमाचल प्रदेश, ब झारखंड, स छत्तीसगढ़, द मध्य प्रदेश। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अ हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेटीएम मनी के नए CEO बने हैं कौन। तो आपका ऑप्शन है अ अजय मेहता, ब दिनेश गौतम, स राजपाल सिन्हा, द वरुण श्रीधर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा द वरुण श्रीधर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क कहाँ खोला गया।
तो आपका ऑप्शन अ चमेली, ब देहरादून, स उत्तरकाशी, द हल्द्वानी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा द हल्द्वानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीआरडीओ ने एलएसी पर निगरानी हेतु एक ड्रोन तैयार किया है, उस ड्रोन का नाम बताना है। तो आपका ऑप्शन है अ रक्षक, ब भारत, स भीम, द रावण। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ब भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो आपका ऑप्शन है अ पीयूष श्रीवास्तव, ब टी एस त्रिमूर्ति, स नम्रता एस कुमार, द दीपक मित्तल। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ब टी एस त्रिमूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन भारतीय वान कर्मन पुरस्कार 2020 के लिए चुने गए हैं। तो वान कर्मन पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है, तो उसके लिए ऑप्शन है अ एम चंद्रकला, ब सतीश रेड्डी, स जे कर्मपाल, द के सिवान। तो आपका सही आंसर हो जाएगा द के सिवान। लास्ट क्वेश्चन, सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो आपका ऑप्शन है अ चेतन भगत, ब अमिताभ घोष, स रस्किन बॉन्ड, द सम्राट सैनी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा स रस्किन बॉन्ड। अब आपका हो गया पूरा 50 क्वेश्चन। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेस्ट लिंक दिया गया है, आप इस टेस्ट को ज़रूर दिलाएं और अपने ज्ञान को परखें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।